बाबर उत्तर प्रदेश और अयोध्या से आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2.5 सीट पाएगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। राहुल गांधी को माननीय न्यायालय ने काफी समय दिया माफी मांगने के लिए। राहुल को कोर्ट से नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र में गोपाल वाटिका में वेश समाज के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी राज्य मंत्री विकास गुप्ता का औरैया जनपद में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं वेश समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी राज्य मंत्री विकास नेता ने माफिया अतीक के मामले कहा कि कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं, अतीक को मिली सजा का स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी के प्रकरण में राज्य मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने माफी मांगने का समय दिया लेकिन राहुल ने माफी नहीं मांगी। निकाय चुनाव को लेकर राज्य मंत्री ने बता दिया आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, आगामी चुनाव में कांग्रेस 2.5 सीट ही पाएगी। यहाँ पर आमंत्रित किया गया है यहाँ के सभी वैश्य समाज के द्वारा। समाज की एकता होनी चाहिए और समाज की एकता होती है तभी इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होता है। और इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद समाज में एक रहें हम सब लोग। वैश्य समाज शुरू से ही सभी समाजों का मार्गदर्शन रहा है, समाज में कैसे काम किया जाता है और समाज की कैसे सेवा की जाती है, उसका एक प्रतीक हमारा वैश्य समाज है। और विशेष रूप से औरैया का वैश्य समाज और आज के जो आयोजक हैं रमन पोरवाल जी, श्रीकांत जी, हमारे विजेंद्र जी, मनोज जी, सभी लोगों ने विशेष रूप से, अनूप जी, सभी लोगों ने विशेष रूप से बड़ा अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया है। और यह मेरा दूसरी दफ़े आना हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में इतना अच्छा सुंदर समाज के सभी युवा शक्ति ने, समाज के सभी बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में स्वागत किया है। मैं उसका बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज एक रहे। समाज एक रहेगा तभी ये देश का उद्धार होगा, क्योंकि देश छोटे छोटे समाजों की इकाई है। और जब जैसे चैन की कड़ी होती है, एक चैन की कड़ी में एक एक कड़ी के महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसी देश की एकता में वैश्य समाज का भी एक बड़ा योगदान है। वैश्य समाज मजबूत रहे इसी भावना के साथ आज इस कार्यक्रम में मैं आयोजन करने के लिए आया। निकाय चुनाव को लेकर के क्या वैश्य समाज की कोई धारणा रही, कोई? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी यहाँ पर रिप्लाई दिया गया था उसकी तरफ से शामिल कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही कैबिनेट में नोटिफिकेशन का प्रस्ताव पास होकर निकाय चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अभी शायद 12वीं क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है, लास्ट एग्ज़ाम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि अगले महीने के अंत 30 अप्रैल तक पूरा निकाय के चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। माफिया अतीक को आज कोर्ट के द्वारा दोषी करार दे दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, माफिया अतीक हो चाहे वो अन्य माफिया हो, इन सब माफियाओं को कानून के दायरे में आना पड़ेगा और कानून के दायरे में ही रहकर उनको काम करना पड़ेगा। आज माननीय अदालत उस विषय पर अपना फैसला सुना रही है और मुझे उम्मीद है कि आज उनको कड़ी से कड़ी सजा उनको आज माननीय अदालत के द्वारा दिया जाएगा। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की है कि बीजेपी और मोदी से भारत की, देश की जनता को खतरा, संविधान को खतरा, क्या कहना चाहिए? देखिए, अदालत ने राहुल गांधी जी को मौका दिया था कि जो उन्होंने कहा है उस पर माफ़ी मांग ले, तो हम ये सज़ा उनको नहीं देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, वो अपनी तरफ से जैसे कहते हैं ना कि एरोगेंस, परिवार की जो एरोगेंस है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। एक पूरे समाज को सरनेम का नाम का इस्तेमाल करके, मोदी का नाम लेके पूरे समाज को गाली देना ये अच्छी बात नहीं है और उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और माफ़ी तो उनको सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए थी, अदालत ने भी उनको मौका दिया था, जज ने कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए तो हम आपकी सज़ा को माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। तो उसका भाई कानूनी की प्रक्रिया में तो हर एक को गुजरना पड़ता है, उसमें राहुल गांधी जी भी कानूनी प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे कि विपक्ष बराबर कहता है बुलडोजर चलाना गलत है और जो है माफियाओं को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बुलडोजर का ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।